हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ पपाया का फेशियल। जी हाँ, पपाया फेशियल आप इजीली घर पर कैसे कर सकते हैं। यू नो, महंगे महंगे फेशियल्स पार्लर में जाकर करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, काफ़ी बार हम अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। इस फेशियल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी इससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि इस फेशियल को करने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। और कुछ भी इंग्रेडिएंट आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, सभी इंग्रेडिएंट आपको आपकी किचन में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कितने स्टेप्स हैं इस फेशियल में और कैसे आप इसको इजीली घर पर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं पपाया के बेनिफिट्स की। पपाया में होता है पेपीन, और पेपीन हमारी रिंकल्स और फाइन लाइंस को दूर करने में हेल्प करता है, प्लस हमारे डार्क स्पॉट को दूर करता है, झुर्रियों को दूर करता है। और पपाया में होते हैं बहुत सारे फाइबर्स, मिनरल्स और विटामिन सी भी इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी भी हमारी हेल्थ के लिए और स्किन के लिए दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपको सनटैन की प्रॉब्लम है, अगर आपकी त्वचा धूप में झुलस गई है, तब भी आप इस फेशियल को कर सकते हैं। इस फेशियल की सबसे खास बात यह है कि इसे कॉलेज गोइंग गर्ल्स, स्कूल गोइंग गर्ल्स कोई भी कर सकता है। बहुत अच्छा फेशियल है ये, इसका कुछ भी नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और इसे हर एक स्किन टाइप वाले लोग कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन स्किन है, नॉर्मल स्किन है, तब भी आप इस फेशियल को ईजिली कर सकते हैं। प्लस आपकी स्किन एजिंग को कम करता है और आपके डार्क स्पॉट को दूर करता है, झुर्रियों को दूर करता है। इतने सारे बेनिफिट्स हैं इस फेशियल के। और इसमें फेशियल में आपको टोटल मैं आज 4 स्टेप बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं स्टेप नंबर 1। तो पपाया हमारे फेशियल में मेन इंग्रेडिएंट है, और पपाया को आपने छोटे छोटे पीसेस में काटकर मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है, इसकी एक प्यूरी तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए, मैंने ये प्यूरी बना ली है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लूँगी क्लिंजिंग के लिए रॉ मिल्क, या 2 चम्मच दूध ले लीजिए आप, और थोड़ा सा इसमें पपाया प्यूरी ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हो गई है हमारी क्लिंजर रेडी, और इससे अपने फेस पर मैं अब 2 से 3 मिनट तक मसाज करूंगी। और जो भी आपको फेशियल के स्टेप्स आते हैं, मसाज के स्टेप्स आते हैं, आप वो कर सकते हैं। सेकेंड जो मेरा स्टेप है वो है स्क्रबिंग। स्क्रबिंग के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 चम्मच चावल का आटा, यानी कि राइस फ्लावर, और अब मैं इसमें डालूँगी पपाया प्यूरी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको थोड़ा ड्राई लगता है तो आप इसमें पपाया की जो प्यूरी है वो थोड़ी और ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया है हमारा स्क्रब रेडी, और अब मैं इस स्क्रब से 3 से 4 मिनट अपने फेस पर मसाज करूंगी ताकि मेरी स्किन पर जितने भी ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और डर्ट और इम्प्योरिटीज़ है वो रिमूव हो जाए। चावल के आटे में स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, जो कि स्किन लाइटनिंग और वाइटनिंग दोनों का काम करता है, और ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारे जितने भी ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होते हैं उसे रिमूव करता है, सारी डर्ट और इम्प्योरिटीज़ को निकालता है स्किन से। तो ये देखिए, मैंने 2 से 3 मिनट तक स्क्रब से मसाज कर ली है। अब मैं अपने फेस को वॉश करके आती हूँ। और नेक्स्ट हम तैयार करेंगे जो 3rd स्टेप है, वो है मसाज क्रीम, यानी कि मैं मसाज की क्रीम रेडी करने जा रही हूँ। और इसके लिए हमें चाहिए जैतून का तेल, मैं यहाँ पर फिगारो का ले रही हूँ, आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। और हमें बस थोड़ा सा इसमें जैतून का तेल ऐड करना है। नेक्स्ट इसमें हमें चाहिए शहद, शहद भी आप चाहें तो किसी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें इसके लिए चाहिए एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल भी आप किसी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास घर में अवेलेबल हो। और नेक्स्ट हमें इसमें चाहिए
पपाया प्यूरी। तो ये देखिए हमारी मसाज क्रीम तैयार हो गई है, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। एलोवेरा जेल भी हमारे रिंकल्स और पिंपल्स को दूर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, और पपाया में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी होता है, फाइबर्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के साथ साथ स्किन के लिए भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। और ये देखिए मेरी मसाज क्रीम तैयार हो गई। आप चाहें तो इस मसाज क्रीम को 10 से 15 दिनों तक तैयार करके स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में, और अगेन आप फ्रेश बना लीजिए। और मसाज क्रीम के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि मैं अभी आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। तो ये देखिए हमारी मसाज क्रीम तैयार हो गई है, और इससे भी अपने फेस पर मैं 2 से 3 मिनट तक मसाज करूँगी। और यहाँ पर गाइस मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो मसाज क्रीम में मैंने इसमें ऑलिव ऑयल ऐड किया था, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसमें ऑलिव ऑयल ऐड ना करें, इसे आप स्किप कर सकते हैं। बट अगर आपकी नॉर्मल स्किन है, ड्राई स्किन है, तो आप ऑलिव ऑयल ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऑलिव ऑयल अवेलेबल नहीं है घर पर, तो आप इसमें नारियल का तेल, बादाम का तेल भी ऐड कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने इस फेशियल मसाज क्रीम में हनी ऐड किया है, हनी हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, नरिश करता है, और मैंने इसमें ऐड किया एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल के भी बेनिफिट्स आप सभी जानते हैं कि रिंकल्स और पिंपल्स को दूर करने में हेल्प करता है और डार्क स्पॉट को भी रिमूव करता है। नेक्स्ट मैंने इसमें ऐड किया है पपीते की प्यूरी, जो कि बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है, जो कि हमारे फेशियल का मेन इंग्रेडिएंट है, और इससे भी आपकी स्किन लाइटन बनती है, ब्राइटन बनती है, और बहुत अच्छा एक ग्लो भी आता है स्किन में, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। तो ये देखिए मैंने 2 से 3 मिनट तक मसाज कर लिया, और अब मैं अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश करके आती हूँ। और नेक्स्ट जो मेरा यहाँ पर 4th स्टेप है वो है फेस पैक, और फेस पैक के लिए आपको सिर्फ 3 ही इंग्रेडिएंट चाहिए। तो चलिए देखते हैं। फेस पैक के लिए आपको चाहिए पपाया प्यूरी और थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी। आप चाहें तो घर में भी मुल्तानी मिट्टी का पाउडर बना के रख सकते हैं, या आप बाजार में जो मिलता है वो वाला भी यूज कर सकते हैं। और बस इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, इसमें आपको और कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए ये हमारा फेस पैक भी रेडी हो गया है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है फेस पैक या मास्क, जो भी आप कह सकते हैं। मैं यहाँ पर ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ, आप चाहें तो फिंगर की हेल्प से भी लगा सकते हैं। इसे अच्छे से लगा लीजिए। और जब फेस पैक अच्छे से ड्राई हो जाए तब आप इसे वॉश कर लीजिए। जहां भी आपको डार्क सर्कल है, मतलब कि आईज के नीचे भी, आप इसे अच्छे से लगा लीजिए, क्योंकि ये आपके डार्क सर्कल को भी लाइट करेगा। That's it. बस मैं इसे 5 से 10 मिनट रखूंगी, यानी कि जब तक ये अच्छे से ड्राई ना हो जाए, उसके बाद मैं अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लूंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है, और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा ग्लो आया है, स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ लग रही है। और ये देखिए मैंने इस वक्त अपने फेस पर कोई भी मेकअप नहीं लगाया हुआ है, ये देखिए नथिंग मेकअप, कोई मेकअप नहीं है मेरे फेस पर। ये था मेरा आज का पपाया फेशियल, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ढेर सारा लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको इससे मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। और प्लीज़ गाइस इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, जो भी आपकी कॉलेज गोइंग फ्रेंड्स हैं या स्कूल गोइंग फ्रेंड्स हैं, तो उन्हें भी ये वीडियो मेरी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।